दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई एक लड़के और पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड या पत्नियां बहुत स्मार्ट और सुंदर होती हैं, इसके बावजूद भी लोग इधर उधर आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें देखने वाले सोचते हैं कि इसकी पत्नी इतनी सुंदर होते हुए भी यह उधर उधर ताक झांक करता रहता है, इसका क्या कारण है? यदि किसी इंसान को कोई चीज आसानी से मिल जाती है, उसके लिए उस चीज की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जो चीज काफी संघर्ष के बाद मिलती है, उसे इंसान बहुत ज्यादा अहमियत देता है। चलो बताते हैं कि अक्सर लड़के अपनी सुंदर पत्नी से ज्यादा प्रेमिका को क्यों चाहते हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करने लगें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। दोस्तों ये बात सच है कि इंसान जितना अपनी प्रेमी प्रेमिका के सामने झुक जाता है, उतना अपनी पत्नी या पति के सामने नहीं झुकता। यह भी सच है कि लड़के जितना अपनी प्रेमिका के लिए खर्च कर देते हैं, उस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। दोस्तों प्रेमिका की कोई बात नहीं टालना चाहता, वहीं लड़कियां भी अपने प्रेमी की बात नहीं टालती। जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कह देता है तो वह जल्दी ना नहीं करती, वहीं अगर पत्नी से कह देता है तो पत्नी उसे मना भी कर सकती है। यही वो कारण है जिसके कारण लड़के अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी प्रेमिका को महत्व देते हैं, उसके प्यार को याद करते हैं। यहां पर एक बात और बहुत बड़ी सामने आ जाती है कि जो चीज छिप छिप कर मिलती है, उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसे ज्यादा समय तक इंसान अपने दिमाग में रखता है। उससे मिलने के लिए, उसे पाने के लिए ना जाने कितनी योजनाएं बनाता है। ऐसी स्थिति में जब उनकी योजना सफल हो जाती है तो कुछ ज्यादा ही आनंद महसूस होता है। वहीं जब पत्नी की बात आती है, मन हुआ इंजन स्टार्ट और जल्दी ही लौ भी बुझ जाती है। बस वहां पर ज्यादा सोच विचार नहीं होता, इसीलिए उसमें कुछ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। ये सिर्फ एक विचार है, सोच है, बाकी सब कुछ एक समान सब जगह होता है। पत्नी अगर 2 मिनट बात करती है तो टेंशन होने लगती है, वही प्रेमिका अगर घंटों बात करे तब भी कोई परेशानी नहीं होती है। जब लड़के अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जब मन हुआ तब चूम लिया, इसमें कोई मेहनत जैसी बात नहीं होती। वहीं एक प्रेमिका का किस लेने के लिए हफ्तों समय बीत जाता है, केवल विचार ही बने रहते हैं, वह भी नहीं मिल पाता। अब अगर आप निष्कर्ष निकालने लगें तो आपको एक ही निष्कर्ष मिलेगा कि जिस विषय पर इंसान ज्यादा सोचता है, जिसे पाने के लिए ज्यादा योजनाएं बनाता है, ज्यादा समय लग जाता है, उसके लिए उसी की ज्यादा वैल्यू होती है। इसके अलावा पत्नी के साथ रहने पर उसमें कमियां और बुराइयां भी दिखाई देती हैं। प्रेमिका के साथ ज्यादा समय रहने को नहीं मिल पाता, इसलिए उसकी बुराइयां हमेशा छिपी रहती हैं, बुरी आदतें छिपी रहती हैं। जब एक लड़का दोनों में तुलना करता है तो ये लगता है कि ये सारी कमियां सिर्फ हमारी पत्नी में हैं, प्रेमिका में एक भी नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह केवल एक विचार है। इसीलिए प्रेमिका की चाहत हमेशा बनी रहती है और पत्नी के साथ रहने के कारण उसके साथ ज्यादातर खाना पूर्ति ही होती है।